देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर कांग्रेसी सांसद गुरजीत सिंह औजला की ओर से अटारी वाघा सीमा से जलियांवाला बाग तक साइकिल रैली निकाली गई। औजला ने कहा कि आज किसानों को दिल्ली की सेवाओं को पर बैठे हुए एक वर्ष होने को है और एक साल में इस आंदोलन के दौरान करीब करीब 700 किसान शहीद हो गए। अंत में किसानों की जीत हुई, अब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, पूंजीपतियों का देश पर कब्जा हो चला है, इसके खिलाफ अब पूरे देश में अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब पार्लियामेंट में भी महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2022 में प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। किसान भाईचारा जो फसलों ने बहुत महंगाइयां बिकदिया ने पाकिस्तान के भारी से बड़ी माड़ी हालत है कि साढ़े बार्डर ना खुले होने करके साड़िया फसल सुरक्षा क्यों वो जिन्ना समान पौधे पाया दुबई पौधे क्यों ना क्यों नॉर्थन फसल ही सप्लाई दे सकती है तो ये सरकार तो मन की है तरह व्यापार साधा यूएई कंट्री तक भी जा सकता है सारे और बाहरों नहीं तो पंजाब की आर्थिक स्थिति जो होती है बेरोजगारी खत्म साढ़ा नौजवान नशे की गिरते तो बच सकता भी और जो अगला भविख है इतने सुरक्षित हो सकता तो यदि लड़ाई जी शुरू की क्योंकि एक साल लगातार धरना चलाने तो बाद क्योंकि वो लड़ाई तकरीबन जीती गई है वह धरना सा जो भी उसे जंत्र मंत्र से है पर यह नवी जी लड़ाई है अभी पार्लीमेंट के अंदर बाहर नहीं पार्लीमेंट के अंदर एक अब हुक्मा दिता है कि इन चीज़ों की लड़ाई लड़ी जाएगी जो बी एस एफ का दायरा वधाएगा वो विरुद्ध भी लड़ाई जी उसकी लड़ी जाएगी। बी एस एफ का जो दायरा वधाया गया वो बारे अच्छ गलबात की सोमवार जी जे आए हैं मंत्री जे बीजेपी के वो कहें जी गुजरात वाली साइड या दूसरे साइडों से भी 50 किलोमीटर का दायरा है तो फिर पंजाब के लोगों को ये ऑब्जेक्शन क्यों है जी 50 किलोमीटर का दायरा दिता गया। देखो सू इस करके ऑब्जेक्शन है कि जितने सरकार आने बहुत और जो राजस्थान है वो बेचारे को है ही कुछ नहीं और बार्डर साढ़े तो लोग रेंगे नहीं 50 किलोमीटर बेचारे वो 50 किलोमीटर बाद 50 किलोमीटर पेंड ही कोई नहीं है वो रेता तो बंद कर रहा भावे 100 कर लो उन्होंने बंदी का गुजरात थोड़ी अपनी स्टेट है वो 3000 किलो हैरोइन आई है इन्हें पता लगा गुप चुप दिखनी वो तो सारा कुछ है पर इतने तो लोगों को नुकसान करोगे ईडी NIA मतलब जिन्या भी NCP इनकम टैक्स CPI सपना की दुरवरतों हुई है पिछले समय के वे दौर साढ़िया फोर्स बहुत वधिया ने असं उन्होंने इंगेज नहीं है सू माण आ BSF तैयार नहीं पर इन्हों की जी दबा का काम है वो सू कि ना कि न्यायपालिका देखने को मिलता कार्यपालिका मिलता विधान पालिका वह डर है भी ये कितना ना कि लहरा वधा के किसी नुकसान ना सर 4 साल हो गए ने जेडे साडे लोग उधर खेती करन जांदे ते उन्होंने एक भत्ता दिता जांदा सी जेड़ा उन्होंने सालाना भत्ता दिया सी ओह 4 साल हो गए नहीं दिता गया उहदे बारे की गल जिहड़ा उन्होंने 4 साल हो गए खेती भत्ता है जिहड़ा बार्डरों तारों पा रहा उन्हें असीं मंग रखी है उन्हें भी पहला भी मंग उठी थी हुण फिर सरकार को बेनती करनी है कि वो बेचारे उही तो खेती उन्हां दी उही ना कुछ मदद करनगे वो जल्दी जिहड़ा उन्हां नूं भत्ता दिता। सर एक चीज़ होर पूछना चाहना जिहड़े बॉर्डर दे उत्ते दिल्ली ने या जिहड़े होर उत्थों दे जिन्हां दे जिहड़े रोजगार ने बॉर्डर दे नाल ही जुड़े उन्हां दे बारे सरकार यही गल दस्सी ना 5000 जिहड़ा सीधे तौर ते 20000 दे तौर ते व्यापारी आ जिहड़ा जुड़े आ ओहदी मंग रखी आ नाल मीटिंग की गई है ਪੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਉੱਦਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ